चेहरा जो सबकी खूबसूरती को बढ़ाता है, चेहरा जिससे हमें कॉन्फिडेंस आता है, और चेहरा मतलब जब हम किसी को कन्फ्रंट करते हैं ना, तो हमें एक वो बहुत पॉजिटिव सी वाइब मिलती है अगर सब सही हो। लेकिन अगर उस पर बहुत सारे पिंपल, एक्ने, स्कार और ओपन पोर हो, हाय, कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना वो डीमोटिवेट हो जाता है, नीचे की तरफ जाता जाता है। तो आज का विषय है पिंपल, एक्ने, स्कार मार्क और ओपन पोर। आज मैं हर सिचुएशन को आपके सामने रखूंगी और उसके अकॉर्डिंगली आपको रेमेडी बताऊंगी। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ओपन पोर्स पे। ओपन पोर इतना कॉमन होता जा रहा है क्योंकि आज के टाइम में ना लोग मेकअप, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं। उससे क्या होता है, हमारे जो पोर है ना वो बहुत ज्यादा ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब दोबारा से श्रिंक करना तो बहुत मुश्किल है। फिर होता क्या है कि 30 साल के होते हैं 50 साल के लगना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे करके स्किन इतनी गंदी दिखना शुरू हो जाती है और हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो हो जाता है। तो उनके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है आइसिंग। आपको क्या करना है, डायरेक्ट कभी भी आइस को फेस पे अप्लाई नहीं करना है। आप एक कपड़ा ले लीजिए सिंपल, उसमें आइस क्यूब डालिए और अपने फेस पे धीरे धीरे करके आप उसको रब करिए, जस्ट 1 से 2 मिनट। आइसिंग जो होता है वो आपके पोर्स को श्रिंक करने में बहुत अमेजिंग वर्क करता है और धीरे धीरे करके पोर्स को श्रिंक कर देगा। ये तो है आपको टेम्पररी सॉल्यूशन। अगर आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो आपको पता है कि एलोपैथी में कुछ ऐसा वो नहीं है, आपको बोलेंगे जरूर पर नहीं होगा। बट यहाँ पे मैं कुछ पिक्चर्स ऐड कर रही हूँ मेरे पेशेंट के, आप लोग देखना इनके जो ओपन पोर है, ये जो आपको पिक्चर्स दिख रही हैं, इनके ओपन पोर में आप बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन करना और आयुर्वेदा का देखना कि 1 से 2 महीने में ओपन पोर पे उनका कितना अच्छा रिजल्ट मिला है। क्योंकि वो स्किन की जो इलास्टिसिटी लूज हो जाती है ना, वो रीगेन करने में बहुत अमेजिंग वर्क करता है। होम रेमेडी हो गई है, ट्रीटमेंट हो गया। सेकेंड चीज, पिंपल एंड एक्ने। बहुत सारी कंडीशन है फीमेल में पीसीओडी की वजह से होते हैं, जहां हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं, ऑयली स्किन की वजह से हो रहे हैं या क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से हो रहे हैं। सेम मेल में जब एक एडोलेसेंस के स्टेज में वो लोग जाते हैं, ठीक है, एक टीन एज से ग्रो कर रहे हैं, तो वहां पे पिंपल एक्ने का बहुत कॉमन इशू होता है। बहुत सारे बच्चों में ये इशू है, बहुत सारे लोगों का मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ, 14 साल के, 15 साल के, 16 साल के बच्चे हैं। बट ऐसा नहीं कि हम ठीक नहीं कर सकते। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके फैमिली हिस्ट्री लाइक फादर को थे, दादा को थे, अब उनको भी हो रहे हैं। तो ये नहीं कि हम क्योर नहीं कर सकते, हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, हम क्योर भी कर सकते हैं। तो आज उन लोगों के लिए ये रेमेडी है जिनके जो एक्ने हैं उसमें नीचे की तरफ गांठे बन जाती हैं। जब वो टच करते हैं उनको इतना पेन होता है, गांठे बनती है, फिर धीरे धीरे पस बनती है, फिर वो फट जाता है, फिर वो निशान छोड़ देता है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, चावल लेने हैं 1 चम्मच, ठीक है। 1 चम्मच चावल को आपको ओवरनाइट सोक करना है जस्ट 3 चम्मच पानी में, जितना पानी उसमें एब्जॉर्ब हो जाए, मतलब आपको ये लगे कि बस एक कॉटन बॉल उसमें से निकल जाएगा या इतना सा पानी, ठीक है। उसके बाद सुबह उठ के उसको आप एक बॉटल में रख लीजिए, इतनी सी में डाल के फ्रिज में या कटोरी में। 2 बार दिन में उस जो पानी आपका चावल का बन गया उससे कॉटन से लेके अपने पूरे फेस पे आपको स्प्रेड करना है, जहां जहां भी आपके पिंपल है, एक्ने है। अब वो पानी क्या करेगा, राइस में स्टार्च होता है, वो धीरे धीरे करके जो गांठी बन रही है ना उसको डिजोल्व भी करेगा, पेन को भी कम करेगा और जो पिन पॉइंटेड पस की फॉर्मेशन है उसको भी रिलैक्स करेगा। तो आपके जो एक्ने हैं वो धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इट एक्ट एज ए नेचुरल टोनर। टोनर क्या करता है, हमारी स्किन को नरिश तो करता है, एक्सफोलिएट कर रहा है, हाइड्रेट रख रहा है, बट हमारे एक्ने पिंपल को धीरे धीरे करके खत्म करने में हेल्प करता है। टोनर लगा लिया, लेकिन टोनर के बाद बिना मास्क के तो यार हमारी स्किन अच्छी दिखेगी ही नहीं, तो हमें क्या मास्क वहां पे यूज करना है। वहां पे अब हमें मास्क यूज करना है राइस का। आपको क्या करना है, सिंपल राइस पाउडर चाहिए, उसको आप पीस के रख लो। अब उसमें आपको क्या ऐड करना है, राइस पाउडर में आपको ऐड करना है 1/4 स्पून दालचीनी पाउडर। राइस पाउडर मानो आपने 2 चम्मच ले लिया कटोरी में मास्क बनाने के लिए, उसमें आपको ऐड करना है 1/4 स्पून दालचीनी पाउडर, 1/4 स्पून हल्दी, और उसमें ऐड करना है आपको पानी। वो आपका पेस्ट बन गया, आप उसको लगाएंगे पूरे फेस पे और धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि विद इन वीक जो आपके पिंपल एक्ने है वो कम हो रहे हैं, उनकी इन्फेक्शन कम हो रही है, क्योंकि दालचीनी जो है एक्ने को खत्म करने में बहुत अच्छा वर्क करती है। चावल, दालचीनी और हल्दी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं, एंटी माइक्रोबियल हैं, ठीक है, वो सारा हमारे फेस को नरिश करना स्टार्ट कर देगा और एक्ने पिंपल को खत्म करना स्टार्ट कर देगा। कितनी बेसिक रेमेडी थी, सारी चीजें हमारी किचन में अवेलेबल है बट हम देखते नहीं है, ठीक है। टोनर लगा लिया और उसके बाद आपको लगाना है ये, और जब आपने वॉश कर लिया फिर से आपको लगाना है टोनर, आप सो जाइए। जब आपने वॉश कर लिया, फेस वॉश नहीं लगाना, सिंपल हल्के हाथों से उसको रब किया और उस पर आपने लगाया फिर से वो टोनर,
और हो गया। अब बारी आती है कब लगाना है। जो बेस्ट टाइम होता है रेमेडी परफॉर्म करने का, मैंने हमेशा कहा है कि वो इवनिंग टाइम है या दिन में, ऐसे टाइम पे जब आपको पता है कि अब हमें घर पे रहना है, बाहर नहीं जाना है। सेकेंडली, जो लास्ट टाइम आप फेस वॉश करके टोनर लगाओगे, उसको आप मॉर्निंग में वॉश कर सकते हो। आपको कीप इट ओवरनाइट, आपको बार बार उसको वॉश करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा इफेक्ट दिखेगा, स्किन पे ग्लो आएगा और जो पिंपल एक्ने के स्पॉट्स रह गए हैं वो भी धीरे धीरे करके डल होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब कितने दिन तक हमें परफॉर्म करना है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट के लिए आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। मानो एक महीने में ठीक हो गया, उसके बाद एक महीने तक डेली किया, उसके बाद आप ऑल्टरनेट डे, ट्वाइस इन अ वीक, वंस इन अ वीक, यू कैन स्विच अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। ये चीज हो गई, ठीक है। बट आपको बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए ना, मैं ये कहूंगी कि मिनिमम आप 1 मंथ तो यूज कीजिए एक बहुत अच्छे रिजल्ट के लिए, जहां पे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट विजिबल होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि कितनी देर में वॉश करना है। देखिए, जैसे आपको पता है कि अब सूखने वाला है, उससे एक स्टेप पीछे आप उसको वॉश कर लीजिए। जितना भी टाइम लग रहा है, 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट, उसके अकॉर्डिंगली आप वॉश कर सकते हो। जस्ट बिल्कुल उसको कड़क नहीं होने देना, बिल्कुल ड्राई नहीं, उससे एक स्टेप पीछे आप उसको वॉश कर सकते हैं। अब इसके साथ आपको क्या चीज खानी है जो एक्ने पिंपल को क्योर करने में हेल्प करती है, वो है पपाया। पपाया हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, मैंने आपको हमेशा बताया, स्किन को हाइड्रेट रखता है, नरिश करता है। तो उसके साथ आपको डेली एक बाउल लेना है पपाया। धीरे धीरे आप अपने पिंपल एक्ने को बाय बाय बोलना स्टार्ट कर देंगे। अब इसके लिए ट्रीटमेंट, सालों खा लिया एलोपैथी यार, कुछ नहीं हुआ, अब आप आयुर्वेदा की तरफ आइए, वेद आयुर्वेदा की तरफ। अगर आपको पिंपल एक्ने, स्कार मार्क, ओपन पोर, स्कार भी इवन, कैसी भी प्रॉब्लम है और आपको लगता है यार नहीं, थक गए अब क्या, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए और अपनी प्रॉब्लम का पूरी तरह से समाधान पाइए। हेलो, मैं उपासना जी से 1.5 महीने से टच में हूँ और मुझे काफ़ी मतलब रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं। मैं आई थी, मेरे थोड़े पिंपल्स थे और चेहरे पे ग्लो नहीं था, तो वो मेरे विद इन 15 डेज क्योर होने लगे थे। और ग्लो के लिए तो मुझे कुछ लोगों ने कमेंट भी किया, मेरे रिलेटिव्स ने, कि आप क्या ले रहे हो, कुछ बताओ। तो मतलब वो लोगों के कहने से पता चल जाता है, तो मुझे अंदर से बहुत खुशी हो रही है। और इससे पहले मुझे लगता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता होगा कि आप नेचुरल चीज़ें लेके आप फेस पे ग्लो भी ला सकते हो। मैं 48 की हूँ मैं, तो मुझे ऐसा लगता था आप तो ऐसे ही मतलब ठीक है जो भी है, लेकिन यहाँ पे आके और उम्मीद जाग गई है मेरी कि मतलब हाँ, हम वी कैन लुक गुड। तो मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा यहाँ का। और मैम, आपको जो ड्राइनेस का इशू था, ड्राइनेस भी मेरी बिल्कुल चली गई है। और आपके प्रोडक्ट्स मैम के बहुत अच्छे हैं डॉक्टर के, तो उनको लेके मतलब ऐसा, एक तो हमारा एक चीज़ मैंने प्लस पॉइंट ये भी देखा है कि हम सपोज कभी लंच हैवी कर लें बाई चांस, तो वो इनकी दवाइयों से लंच की हैवीनेस भी ख़त्म हो जाती है, वो भी डर नहीं रहता। तो दवाइयाँ दो तरह से काम करती हैं, एक तो हमारी स्किन पे भी, एक हमारे अंदर से डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी वर्क करती हैं। और मतलब मेरी ड्राइनेस भी चली गई, इवन चेहरे पे ग्लो भी, मतलब काफ़ी कम समय में अच्छा ग्लो आया है। थैंक यू मैम। आई होप कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, एक प्यारा सा कमेंट। मैं हमेशा वो रेमेडीज लेके आऊंगी जो इजीली अवेलेबल हो बट बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से प्यार देते रहे। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।